हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज फिर से नए टास्क के साथ नए प्राणियों को पकड़ के हम वापस आए हैं। हमारे पहले कंटेंडेंट हैं अंकित भैया, दूसरा है गोनू, तीसरा मैं, चौथा हमें कोई मिला नहीं, तो इसलिए हम सब तीन ही खेलेंगे आज। आज का टास्क है सांप सीढ़ी। सांप सीढ़ी भाई साहब, टारगेट इतना खतरनाक दे दिया। तो सांप सीढ़ी का ये टास्क है, मैं तो देखो आप गंजा हो ही चुका हूँ, आपने मेरे को देख रखा है। तो सांप सीढ़ी के इस टास्क में ये होएगा कि जो गेम हारेगा लास्ट आएगा उसे अपने पैरों की वैक्सिंग करानी पड़ेगी। इसलिए तीनों शॉर्ट्स पहन के बैठे हैं। तो सबसे घने बाल इनके पैरों पे हैं, दूसरे नंबर पे इसके हैं, मेरे सबसे कम सबसे है। पहले पे इसके हैं। चलो इसके हैं, दूसरे पे आप पे हैं, मेरे सबसे कम है। तुम्हारे कहीं और की कराएंगे। तो अब स्टार्ट करेंगे गेम। जो हारेगा बस उसके पैरों की वैक्सिंग होगी। मैं वैक्सिंग स्ट्रिप ले आया हूँ, कहाँ गई ये रखी इधर दिखा दो भाई। ये रही हमारी वैक्सिंग स्ट्रिप। अब देखना किस मर्द को दर्द नहीं होता है, अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। तो आज मेरा नंबर नहीं आएगा क्योंकि मेरा नंबर पिछले व्लॉग में आ चुका है, आपने देख लिया। ये रहे मेरे बाल गायब है, तो आज का मेरा नंबर नहीं है, पर आज मैं जीतूंगा, मुझे पता नंबर क्यों नहीं है आपका? आज मैं जीतूंगा ना, इसलिए नहीं है ना। वो जीतेंगे तो हम भी, चाहे हमें बेईमान से जीतना वो तो देख लेंगे। सबसे बड़ा बेईमान तो फिर मैं हूँ इस मामले में। तो गाइस मिलते हैं आपको अब थोड़ी देर बाद, गेम स्टार्ट करते हैं और फिर बदलते हैं। सो गाइस गेम में बड़ा मजा आ रहा है। गोनू ने बड़े शानदार तरीके से खोली थी और सांप से कट के फिर नीचे पहुंच गया। अब फिर गोनू सबसे ऊपर चल रहा है और मैं सेकंड नंबर पे, अंकित भैया थोड़े से पीछे हैं। क्यों, इनको हर बार सांप ने तो नहीं काटा। एक दो तीन चार, तो देख लो शक्ल अब किसके क्या होने वाला है। यार दो मिनट के गेम में गोनू तो 90s में पहुंच गया। ये गेम थोड़ा जल्दी खत्म होगा, व्लॉग भी पूरा नहीं होने का ऐसा तो मेरा। गाइस शक्ल देखो, तीन चार, तुम सामने अब रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, तुम सामने डस लिए, कोई बात नहीं। अरे अरे ये तो बहुत बुरा हो गया मेरे साथ। ये रहा गोनू, ये रहा अंकित, ये रहा अंकित भैया, और मैं फिर नीचे सांप के काटने से नीचे पहुंच गया। यार यहां कौन सा सांप था जिसने मेरे काटा है? यार सीढ़ी मिल गई, मैं ऊपर पहुंच गया, गोनू को और ऊपर सीढ़ी मिल गई। ये अंकित भैया इनके पैर ज्यादा सुंदर लग रहे हैं ना आप लोगों को, सब देखते हैं क्या होता है। पांच यार, अरे तो बीच से भी चढ़ जाता है। अरे बीच से भी चढ़ जाता है। चार में पूरा हो गया, एक दो तीन चार। ओह माय गॉड, अब हम देखते हैं क्या मजा आएगा। वीडियो बनानी शुरू कर दे, अब दोनों में से क्या होगा। अरे एक दो तीन चार पांच, सुबह तुमने कम ना करी। क्या तो मेरे चार यही आवे हैं? तीन की बचरी यार, कटने वाला मामला। एक दो तीन चार पांच छह, दो लाने वरना मन नहीं है। ये देखो इस पुरानी की शक्ल, मेरे साथ बेईमानी कर रहा था फिर। बेईमानी तो तुमने करी है भाई साहब, अब तो कोई कुछ ही कह लो। मैंने तो अब तुम्हारे वो लोग कोई ना, ये विचार आ रहे हैं, बैठ जाओ। अरे इनके विचार आने वाले, मेरे की बातें क्या है। ये आगे भी छी रहूंगे।
A few moments later. मैं बिल्कुल नो पे आके रुकूंगा। तो जीजू को तीन चाहिए सांप से कटवाने के लिए। तो मैं एक बार कहूंगा चार चाहिए मुझे जीतने के लिए। ऐसे नहीं ले सकते आप। बहुत बढ़िया शाबाश। इस प्राणी को देखो इसे डसे ही डसे जा रहा है, ये नीचे नीचे आ जा रहा है। कुंडली में काल सर्प दोष सांप छोड़ निराश। सच्ची में हकीकत में भी है। ये टांगे देखो कितनी गोरी गोरी अच्छी लगेंगी। रंग भी साफ, टांगे भी साफ हो जाएंगी। वैसे सही है, मिलते हैं अभी आपसे। जाना पड़ने का फ्री में वैक्स हो जाएगा। और क्या बढ़िया करूंगा मैं, फिर पूरी पे करवाऊंगा ना, फिर हम बाद में पूरी कर देंगे निक्की से। समान है मुझे तो। रुक जाओ। तो जीजू को तीन चाहिए थे, सांप ने तीन पर डस लिया। एक दो तीन। तो गेम जीजू का सबसे नीचे आ चुका है, मैं जीत गया। दो एक दो। और क्या जीजू को यहाँ डसा। बहुत ही कांटे की टक्कर चलती हुई। लो जीजू फिर वापस आ गए। दे बिस्किट भी लेते आते हैं। ले आई भाई। मैं फिर आगे पहुंच गया हूँ। और पांच छह ही आएंगे मेरे। यहाँ अभी गए तो कोई फायदा नहीं था ना। जीजू भी जीतने की कगार पर लग रहे हैं। भगवान हो ना जाए इस बार। पांच। मेरी अपनी टांगे साफ अच्छी नहीं लगेंगी बिल्कुल भी। वैसे भी मैं नेकर पहनने वाला आदमी, बहुत बुरा होगा मेरे साथ। तुम्हारा दो या ओवर नहीं। गेम काटे का चलता हुआ। चार ने डस लिया अंकित भाई को। बच गया, बच गया। इस आदमी की शक्ल देख लो, ये बहुत देर तक कह जा रहा है मेरी कुंडली में कौन सा दोस्त है। काल सर। काल सर। वो मिल ही रहा है ना। नाग देव तो मिल गए। रोटेट कर दिया भाई। क्या अब यहाँ पर दो चाहिए मुझे। टेन। दो। अच्छा टेन। दो चाहिए। डस लिया फिर साहब ने। भाई साहब क्या आ गया था। नहीं चीटिंग है भाई साहब। पक्का चीटिंग होता है। आदमी चीटिंग पे उतर चुके हैं एक बार गंजे होने के लिए। रखो नौ पे। लाओ इधर दो यार। चीटिंग ये कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं यार। मेरे चांस कोई होगी थी। 6 1 2 3 4 5 6 1। गेम में घना इंटरेस्ट आ रहा है। मेहर भैया यहाँ तक आते हैं और यहाँ से वापस चले जाते हैं, यहाँ से वापस चले जाते हैं। हमारी दोनों की गोटी फिर से आके कौन से नंबर पे 11 पे। 11 पे रुक गई है। दोनों को 93 पे काटा है। शिष्यों को 90 पे। सॉरी कैसे खेला जाता है। दोनों 90 पे काटा है। ये उस दिन भी शक नहीं बन रहा था। ठीक है। चलो देख। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ 96 पे, अंकित भैया 86 पे। और मेरे इस बार सीधे चार आएंगे और मैं सीधा जीतूंगा। और भैया की और भैया की टांगे गोरी होएंगी अभी। मेरे नजरिए से तीन आऊंगे और अंकित भैया के चार। हाय हाय अंकित भैया के चार आऊंगे। एक दो तीन चार। ये आदमी फिर से नीचे पहुंच चुका 11 पे। शक्ल तीन आओगे तुम नौ पाओगे। तीन धोने के पूरे कगार पे है। ठीक है जी। ये कर रहे बेईमानी। मैं नहीं कर रहा, तुमने ही मेरे को चढ़ा। तुमने ऊपर चढ़ा 6-5 से। नहीं नहीं ये इतना कह दी तुमने 6-1 पे मेरे को 39 बती आप। मैं 40 पे था। 6-5 तुमने गिन के 6-4 आए। मैं कैसे मान लूं तुमने गिन के 6-4 आए। ठीक है ये तो गेम तो बाहर है। तुमने चली मेरे को एंपायर है ना। ऐसे हो गया ऐसे ऐसे प्लेयर है एंपायर था। मानता हूं बेईमान मेरे को। नहीं भाई साहब नहीं गेम नहीं। गेम रद्द हो गया भाई साहब। हम खेलते हैं ये भाई साहब। ये यहीं पे खत्म भाई साहब। हो गया गेम खत्म। ओके चीटिंग कर रहे हैं गाइस। गेम फिर से अच्छे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है। मैं 97 पे हूं, अंकित भैया 58 पे। मेरे को सिर्फ तीन नंबर चाहिए जीतने के लिए। तो ये इसी बार में आ जाएंगे मेरे। टे आया बच गया। दो चाहिए मेरे को जीतने के लिए। अंकित भैया को तो भी बहुत कुछ चाहिए। तो मिलते हैं बस। होने वाला गेम पूरा। दो तीन चार पाँच।
तुम बेईमानी से जीते भाई। हाँ जीता। अब तो सांप नहीं चेक आज। अब मैं बेईमानी कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं। देखो ब्लॉग के साथ ऐसे नहीं। मैं गंजा हूँ। भाई मैं। नहीं। लो 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 कुछ भी। मैं देखो भाई ये नहीं नहीं। भाई क्या कर रहे हो ये सही सही कहाँ हुई भैया मेरा तो बच गया भैया ने कराने से मना कर दी भाई ऐसे नहीं होता नहीं चलो कवर नहीं कर पाऊँगा कवर पे नहीं यार चलो हाँ अभी ना एक ना 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 भाई साहब प्लीज एक ही नहीं बस चलो एक ही करना यार भाई उल्टी सीधी मत खींच देना उल्टी लगा दी भैया खींचो सो गाइस ये आदमी है ना बेईमानी कर रहा है बेईमानी ना कर रहा है देख लो एक ही लगवा रहा है पूरी दोनों टांगों की बात हुई थी ये लगाने को तैयार नहीं है कौन पकड़ यार फोटो खींच दे इनका ऐसे ही बैठे हुए का अरे हाँ एक थंबनेल के लिए फोटो खींच दे ऐसे ही लो पकड़िए खींच दिया इसको पाउडर डाल लो हल्का सा बस हां खींचो भाई साहब एक अब क्यों निकाल रहे हो रुक ये बदतमीजी कर रहे हो एकदम भाई अब एक वो इतने एक तो खींच लो पहले अरे यार नहीं फोटो खींच गया भैया बैठ जाओ सही से ये 1 2 3 अरे भाई साहब जल्दी करो यार ओ यार तुम बदतमीजी कर रहे हो देखो कैसे एकदम खींच दो यार बहुत दर्द होता है 1 2 3 कैसा हुआ देखो कुछ नहीं हुआ गलत लगाई इन्होंने हां दे यार लो मैं लगाता हूं देखो कुछ भी नहीं हुआ सो गाइस व्लॉग अब हमारा टास्क पूरा हो चुका है हम सांप सीढ़ी खेली थी तो अंकित भैया हारे थे वैसे तो पर सबके पैरों पे लगा दी जो जिसको जहाँ लगा सकता था वो उन्होंने प्रॉपर कराई दी भाई मेरे भी लगी एक जगह यहाँ पे बड़ा दर्द हुआ हटाने में उनको भी लगी गोनू को भी लगाने की कोशिश की हमने तो बड़ा मजा आया और उन्होंने वैक्सिंग कराई नहीं क्योंकि उसमें दर्द बहुत हो रहा था उन्होंने एक जगह ही लगाई उनके पूरे पाल हट गए वहाँ से तो उनको दर्द हुआ वीडियो में आपने देखा होगा तो इसी तरह ब्लॉग का करते हैं एंड प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल और बेल आइकन दबा दें और सपोर्ट करें ऐसी आगे वीडियो और अच्छी लाने की कोशिश करेंगे आगे और टास्क करेंगे और अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे तो मिलते हैं आप सभी ब्लॉग में बाय।